सभी को राधे राधे। आज हम लोग ये जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2019 कैसा जाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको अलर्ट रहना है 30 अप्रैल 2019 से लेकर 18 सितंबर 2019 तक। ये पीरियड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस दौरान शनि वक्री हो जाएंगे, 30 अप्रैल को वक्री होंगे और लगभग 18 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना है, खास तौर से सड़क पर चलते समय विशेष रूप से, वरना आपको चोट लग सकती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कैरियर की। बाकी स्वास्थ्य के मामले में पूरा साल शुभ है, बस इस पीरियड को आपको विशेष ध्यान देना है। कैरियर के लिहाज से 7 मार्च 2019 से 29 मार्च 2019 तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी पूरा साल लगभग शुभ है। ठीक, इसमें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7 मार्च को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी राहु यहाँ है, केतु यहाँ है। ठीक, लेकिन 7 मार्च को राहु यहाँ से यहाँ आ जाएगा और केतु यहाँ से यहाँ, तब थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए शुरू होंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होंगी, सिर्फ 29 मार्च तक, 20-22 दिन के लिए। 29 मार्च इसलिए क्योंकि 29 मार्च को गुरु यहाँ से यहाँ आ जाएगा जहाँ पर केतु है, और गुरु के यहाँ पर आने के बाद से राहु पर दृष्टि भी होगी उसकी, तो थोड़ी सी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस दौरान थोड़ा सा बस अपने बिजनेस या जॉब जहाँ पर भी आप हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं धन की। तो धन के लिहाज से पूरा साल शुभ है, आप काफ़ी सारा निवेश करेंगे इस साल, और मे बी आपकी अचल और चल संपत्ति दोनों में इजाफा होगा। बस इस पीरियड को अवॉइड कर दीजिएगा जो कैरियर वाला हमने टाइम बताया था 7 मार्च से 29 मार्च। तो धन के निवेश के मामले में इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा मार्च के महीने में, बाकी आपके लिए पूरा साल शुभ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के लिहाज से ये पूरा का पूरा साल शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप अपनी मेहनत पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ग्रह अच्छे हैं, सब अच्छा फल रिजल्ट आएगा उसका, पूरा पूरा रिजल्ट आएगा। तो जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है, लेकिन इस साल कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जितनी वो मेहनत करेंगे उसका पूरा का पूरा 100% उनको मिलना है, उसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। जो महिलाएं कर्क राशि से रिलेटेड हैं तो उनको इस पीरियड में, मतलब कि जब शनि वक्री होगा, उनके हाथ से कुछ लॉस होने की संभावना है, जैसे कि उनका कुछ कीमती सामान खो सकता है, या उनके हाथ से पैसे का लॉस हो सकता है, या अगर वो बिजनेस कर रही हैं तो इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि महिलाओं को इस दौरान धन का नुकसान होने की संभावना बन रही है शनि जब वक्री होगा 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक। ठीक, तो ये था कर्क राशि वालों के लिए, लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर ही लिए गए। तो अब उपाय जान लीजिए कि उपाय आपको क्या करना है। तो अगर आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर इस पीरियड के दौरान, बाकी तो ठीक है, आप हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक का, अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हनुमान बाहुक बेस्ट रहेगा, आप इसका पाठ करें मंदिर जाकर, और किसी जानवर को कुछ मीठा खिलाएं मंदिर में दर्शन करके आने के बाद। ठीक, तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।